गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो बेटा, नाउ टेल मी, व्हाट इज दिस? क्या है ये? ये है मार्कर. ओके, अब एक मार्कर है बेटा 10 रुपीज का. ये मार्कर कितने का है? 10 रुपीज का. तो मेरे पास टोटल 4 और मार्कर हैं. मतलब ये टोटल कितने मार्कर्स हो गए? 5 मार्कर्स हो गए. ठीक है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये टोटल कितना प्राइस होगा इन मार्कर्स का. इसका 10 है, इसका 10 है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है और ये भी 10 का है. तो क्या मैं इन सबको ऐड करूँगी? नहीं, मैं क्या करूँगी, 10. एक मार्कर कितने का है बेटा? 10 रुपीज का. और मुझे 5 मार्कर्स की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करेंगे हम, 10 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 10 × 5 = 50. यस, तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, हमने किया है मल्टीप्लाई. क्या किया हमने? मल्टीप्लाई. तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा? मल्टीप्लाई. कि अगर आपको किसी एक का प्राइस पता है और एक से ज़्यादा का प्राइस आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, तो इतने सारे पेंस की वैल्यू, आपको प्राइस क्या है आपको पता चल जाएगा. ओके, नाउ अब बेटा अगर ये 50 रुपीज हुए हमारे पास, टोटल कितने का आया हमारे पास मार्कर? 50 रुपीज का. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे है हमारे पास 4 मार्कर्स. अब बेटा इसमें अगर मैम कहती हैं कि ये 4 मार्कर्स को 2 लोगों को आप बांट दो, लेकिन इक्वल मिलना चाहिए. तो क्या करेंगे हम इक्वल के लिए? एक मैडम ने रखा, एक आपको दिया. ठीक है, फिर एक मैम ने रखा और फिर एक आपको दिया. तो आपके पास भी 2 हो गए और मैम के पास भी 2 हो गए. तो क्या किया हमने, 4 को हमने क्या किया, डिवाइड किया. कितने लोगों में बांटा हमने? एक मैम ने लिया और एक पार्ट आपने लिया. यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, बांटा, यानी कि डिवाइड किया. 4 में से 2 आपने लिया, 2 मैंने लिया. ओके, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डिवाइड. अगर ये 4 पेन्स है और मैं अगर ये कहूँ कि 4 लोगों में बांटना है, 4 पेन को 4 लोगों में बांटना है, यानी कि डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक को कितना पेन मिलेगा? एक को एक पेन, एक को एक मार्कर. ओके, और एक को एक मार्कर और एक को एक मार्कर. मीन्स 4 मार्कर को मैंने 4 लोगों में बांट दिया. और मैंने अगर कहा 4 मार्कर्स को 2 लोगों में ही बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा बेटा? 2, और एक को 2. तो इस तरह से आज का हमारा कंसेप्ट क्या है? डिवाइड. यस, आज हम डिवाइड सीखेंगे. सीखा तो आपने पहले भी होगा, लेकिन अभी हम लार्ज नंबर्स का डिवीजन करेंगे. ओके, कि लार्ज नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं. ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 19. यह पेज नंबर 19, एग्जांपल नंबर 7 दिख रहा है आपको. यस, अब यहाँ पे आपको एक डिवाइड दिख रहा है जिसके बारे में अभी मैम ने आपको बताया. तो बेटा ये क्या है, जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट. ठीक है, और ये क्या है जिससे आपको डिवाइड करना होता है, ये क्या होता है? डिवाइजर. ओके, और जो यहाँ पर आपका आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. ओके, और जो नीचे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? बचा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर. रिमाइंडर ये होता है, देन ये है डिवाइजर, और ये क्या है बेटा? डिवाइडेंट, और ये क्या है? क्वेश्चन. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब क्या है? डिवाइड है. अब हम देखते हैं 286 में आपको ये, इस नंबर में आपको 286 से डिवाइड करना है. तो 286 के टेबल पता होनी चाहिए मुझे. तो देखिए यहाँ पे साइड में टेबल भी लिखी हुई है. 286 वनजा तो 286 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 725 है. 725, या तो 725 आपको चाहिए या तो इससे थोड़ा सा कम. ओके, तो हम देखते हैं 286 इंटू 2. तो जब 286 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? 572, जो कि इसके पास में है. हम एक नंबर आगे भी चेक करके देखते हैं बेटा. 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 572 आ रहा है. तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आ रहा है? 858. तो क्या यहाँ पे हम 858 लिखेंगे? नहीं, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा ना. हमें क्या चाहिए? 720, या तो 725 या तो इससे बस थोड़ा सा नंबर छोटा. छोटा नंबर किससे आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई करने पे. और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, पर हमें बड़ा नंबर तो नहीं चाहिए. ओके, नाउ जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 में तो हमें मिला 572. देन अब आप क्या करोगे? माइनस.
माइनस करेंगे हम, 5 में से 2 गए बेटा 3, देन 12 में से 7 गए 5, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 5 गए 1, अब हमारे पास ये टर्म बची 153। देन अब हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ बुला लेते हैं, अब 3 बचा ना, ये तीन डिजिट तो हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा 3, ये डिजिट बची है, उसमें से हम किसको बुलाएंगे, 1 को बुलाएंगे, यानी कि 3, 3 को बुला लिया हमने। देन अब क्या करना है हमें, फिर से चेक करना है, 286 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 858 आता है, 4 से करेंगे तो 4 से भी देख लेते हैं कि क्या आता है। सो हियर बेटा अब हमारे पास क्या है, 1533, या तो 1533 आ जाए या तो इससे थोड़ा सा कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा आएगा तो माइनस कैसे करोगे, तो इसलिए हमें क्या ढूंढना है, ये 533 जो है या तो इतना नंबर आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो हम चेक करते हैं, तो 3 टाइम्स में कितना आएगा, 858 आ रहा है, 4 टाइम्स में 1144 आ रहा है, और 5 टाइम्स में क्या आ रहा है बेटा, 1430 आ रहा है। तो हमें देखना है, यहाँ पे 15 है तो 5 टाइम्स वाला चलेगा, 5 टाइम्स वाला नंबर चलेगा ना, 1430। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 1430 5 टाइम्स में, कितनी बार में जा रहा है ये, 5 टाइम्स में। देन अगेन माइनस करोगे, फिर 8 को बुलाया हमने, अब क्या हो गया हमारे पास नंबर, 1038। तो 1038 यहाँ पे हम देखते हैं 3 से जाएगा, नहीं 4 से जाएगा, नहीं 4 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 हो गया है और मुझे क्या चाहिए बेटा, 10 से कम चाहिए, तो 10 से कम क्या है, 3 टाइम्स में जा रहा है 858। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 858, कितनी बार में गया, 3 टाइम्स में गया, ओके। देन अगेन माइनस करेंगे, फिर किसको बुलाया हमने, 9 को बुला लिया, अब क्या हो गया हमारे पास नंबर, 18 हो गया, 1800 हो गया है। तो अब हम चेक करेंगे, 5 टाइम्स में तो 14 हो रहा है, 6 टाइम में क्या आ जाएगा बेटा, 1716। देन आप फिर माइनस करोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, 93 मिला, फिर हमने 2 को भी तो बुलाया ऊपर से, अब हो गया 932। देन माइनस करोगे आप, फिर हमें मिला 74। अब कोई नंबर बचा है क्या यहाँ पे, नहीं बचा है, अब नंबर नहीं है हमारे पास। देन ये क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पे डिवाइड कंप्लीट हो गया, ये आ गया रिमाइंडर, अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा अभी, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये डिवाइड किया है हमने, तो ये क्या है, डिवाइडेंट, ये है डिवाइजर, ये है क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर, ओके। एक और क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, क्या करना है हमें, हमारे पास डिवाइडेंट ये है और डिवाइजर है, देन अभी हमें इसको सॉल्व करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है और क्वेश्चन निकालना है। बेटा मुझे 235 और यहाँ क्या है 205, तो 205 बड़ा है या 235, 235, तो इसका मतलब है मुझे 4 नंबर की डिजिट को देखना होगा, ओके, क्योंकि ये तो 205 तो छोटा हो गया, तो उसमें छोटे में डिवाइड थोड़ी ना होगा, तो कैसे देखेंगे हम, अब हम देखेंगे 2056 के अकॉर्डिंग हम नंबर्स देखेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 235 में, मैम ने आपके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखा है बेटा, तो हमें क्या चाहिए, 2000 के आसपास की डिजिट चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा, अगर 2 बार में, 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई, 470, मुझे 1000 चाहिए, तो 1000 कहाँ है बेटा, 1000 है, 9 टाइम्स में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या है मेरे पास, केवल 20 है, तो या तो 20 चाहिए या 20 से कम चाहिए, तो 20 से कम क्या होगा, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, और 7 भी देख लेते हैं, 7 में तो केवल 1645 आ रहा है, इसका मतलब 8 में आ रहा है 1880, तो मीन्स 8 टाइम्स में ये जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा 8 टाइम्स में क्या आएगा बेटा, 1880। देन अब हम इसको करेंगे माइनस, फिर माइनस किया और ये मिला हमें, ओके। फिर हमने 8 को बुलाया, अब क्या है हमारे पास, 1768, यानी कि अब मुझे कौन सा नंबर चाहिए, अब मुझे या तो 1700 चाहिए या तो इससे कम चाहिए, तो हम देखते हैं कि कितनी टाइम्स में जाएगा, लेट्स सी, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5, 1175 आ रहा है बेटा, हमको 17 चाहिए, 17 के आसपास की डिजिट, फिर यहाँ पे 14 आ रहा है, देन यहाँ पे 7 टाइम्स में क्या आ गया बेटा,
16 तो कितनी बार में जाएगा, और 8 टाइम्स में तो 18 आ जाएगा, यानी कि ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 टाइम्स में क्या गया 16, और 6 टाइम में 14, ये तो कम है, लेकिन जस्ट उसके बाद का नंबर देखना है तो 16 दिख रहा है मुझे, तो 7 टाइम्स में जाएगा। तो बेटा कितने टाइम्स में गया, 7 टाइम्स में गया। 7 टाइम्स में जाने के लिए क्या आया, 1645। देन माइनस किया हमने, देन क्या मिला 123। अब हमने ज़ीरो को भी बुला लिया, अब क्या बचा, लास्ट में ज़ीरो बच रहा है, ज़ीरो को भी बुला लेते हैं। अब हमें कौन सा डिजिट चाहिए बेटा, 1230, यानी कि 12 के आसपास का नंबर चाहिए मुझे। तो देख लेते हैं 12 के आसपास कौन आ रहा है, 12 के आसपास 8, नहीं 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7, नहीं 11 दिख रहा है मुझे, 11 दिख रहा है, क्योंकि 4 टाइम्स में तो 940 हो रहा है, लेकिन 5 टाइम्स में 1175 हो रहा है, और 6 टाइम में तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 ज़्यादा है ना 12 से, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला। जस्ट बेटा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके जस्ट कम होना चाहिए, तो कितना आया 1175। सो यहाँ पे हमने लिखा 1175, देन माइनस किया, देन 55। अब यहाँ पे और कुछ है क्या बेटा, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो गया। तो अब कितनी बार में गया, ये तो हमने यहाँ ऊपर लिखा नहीं, 5 टाइम्स में गया ना। तो कोशेंट, ये तो क्या है बेटा, डिवाइडेंट, डिवाइज़र, और ये क्या हो गया कोशेंट, और ये क्या हो गया रिमाइंडर। इस तरह से क्या किया हमने, डिवाइड किया, देन जो हमें यहाँ मिला वो क्या है क्वेश्चन, और ये जो है वो क्या है रिमाइंडर। ओके, लुक हियर एट पेज नंबर 20, यहाँ भी बेटा डिवाइड है, ऐसे ही करना है। देन डिवाइडेंट क्या हो जाएगा, ये क्या है डिवाइज़र, ये है क्वेश्चन, और ये है रिमाइंडर। अब आपको अगर आपके आंसर को चेक करना है कि सही है या गलत है, तो कैसे करेंगे हम, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। तो हमने लिख लिया डिवाइडेंट ये नंबर है, डिवाइज़र इतना है, क्वेश्चन इतना है, एंड रिमाइंडर इतना है, ये डिटेल्स हमने लिख ली। अब हमें, हमारे पास एक फॉर्मूला है वेरिफिकेशन, यानी कि उसको चेक करना है कि आपका जो डिवाइड आपने किया है वो सही है या गलत है, रॉन्ग या राइट। उसके लिए डिवाइज़र इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइडेंट। मीन्स इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या, डिवाइडेंट के जो नंबर डिवाइडेंट में है वो नंबर आपको इधर भी आना चाहिए। लेट्स सी, आपके पास डिवाइज़र है 325। ओके, ये रहा डिवाइज़र 325। क्वेश्चन कितना आया हमारे पास, 22,328 आया, ये लिख लिया हमने यहाँ। प्लस रिमाइंडर कितना आया, 198, ये लिख लिया यहाँ पे। देन अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये डिजिट आएगी। ओके, सॉल्व करोगे बेटा तो इसमें जब इसने का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, फिर प्लस क्या करना है 198। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। अब ये नंबर क्या है, डिवाइडेंट के इक्वल है क्या, यस, दिख रहा है दोनों नंबर सेम है। मतलब जब आपने इतनी प्रोसेस की, ये नंबर और ये नंबर जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो सेम आ जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर सही है, हैंस वेरीफाइड, मतलब आपका आंसर सही है। क्या करोगे आप, डिवाइज़र और क्वेश्चन इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आए उसमें इसको ऐड कर देना है, रिमाइंडर को ऐड प्लस कर देना है, फिर चेक करना है कि क्या वो नंबर इसके बराबर आ रहा है। अगर इसके बराबर आ रहा है इसका मतलब आपका डिवाइड करेक्ट है, और नहीं आ रहा है तो रॉन्ग है। क्या करोगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई, देन रिमाइंडर को ऐड करना है, तो क्या मिलना चाहिए हमें, ये नंबर मिलना चाहिए। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट वन, अ कर्टन कंटेन्स 256 बॉल्स, हाउ मेनी कर्टन्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 821,760 बॉल्स। यस, अब यहाँ पे एक जो बॉक्स है, एक जो कर्टन है, उसमें बेटा कितने बॉल्स आ रहे हैं, 256 आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमें बहुत सारे बॉल्स दिए हैं, यानी कि 800,000 में बॉल दिए हैं, जिनको हमें बताना है कि इनको पैक करने के लिए आपको कितने कर्टन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा को आपको कितना में करना है, कम में करना है, यानी कि ज़्यादा को आपको किस में पैक करना है, कम में करना है। तो क्या करोगे आप, डिवाइड, बहुत ज़्यादा है ना तो अलग अलग में पैक कर दोगे, अलग अलग बॉक्सेस में कर दोगे, तो डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बेटा, इतनी है, नंबर ऑफ बॉल्स दैट कैन बी पैक्ड इन वन कर्टन, एक में कितनी आ रही है 256, तो नंबर्स ऑफ कर्टन रिक्वायर्ड टू पैक इतने बॉल्स, तो इतने बॉल्स को पैक करने के लिए कितने कर्टन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे हम,
इसमें डिवाइड कर देंगे, देन वी गॉट दिस नंबर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पहचानना भी आना चाहिए। अगर बहुत सारा दिया है और कम का पूछ रहा है कि कितने कर्टन में आएगी, तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बेटा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू सो मच।